वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 22 मार्च 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स को रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पर द जीएस प्लेटफॉर्म को सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिकैप से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था कि नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। सही उत्तर है स्वावलंबन एक्सप्रेस। दूसरा क्वेश्चन, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को कहाँ आयोजित करने की योजना है, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में। तीसरा क्वेश्चन, किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है मार्च 2020 के लिए। सही उत्तर है चाइना ने। चौथा क्वेश्चन, HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। सही उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पांचवा क्वेश्चन, किस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी शुरुआत भूटान ने की थी। छठवां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 142 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की है, यानी कि आज ही की है 22 मार्च को। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने घर से बाहर ना निकलें और मुझे पता है कि आप लोग नहीं निकलेंगे। आठवां क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर है 20 मार्च। नौवां क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान के कितने प्रतिशत का अनुमान बताया, तो सही उत्तर है 5.1%। अब कल के कुछ के आंसर, तो कल करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है, तो सही उत्तर है उत्तराखंड, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। GS में आपसे पूछा गया था कि दूर संचार के लिए वायु की कौन सी परत महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत, तो आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण फ्लोर परीक्षण के कुछ घंटे पहले अपना इस्तीफा दे दिया, तो ये देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को विधानसभा में एक महत्वपूर्ण फ्लोर परीक्षण से कुछ घंटे पहले ही अपने इस्तीफा की घोषणा की। ये इस्तीफा उन्हें क्यों देना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पक्ष के 22 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार जो थी कमलनाथ के नेतृत्व वाली, वो अल्पमत में चली गई और अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 और छत्तीसगढ़ का गठन होने से पहले मध्य प्रदेश इस देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था और वर्तमान में दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर उलटफेर हुआ है, तो यहाँ के राज्यपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मुख्यमंत्री अभी फिलहाल कोई नहीं है, एक सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या है 231, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या है 29, और ये सब पिछड़ा राज्यसभा सीटों की वजह से ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2020 तक कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र सरकार ने सैनिटाइजर के लिए कितने रुपए निर्धारित किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 100। सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र फेस मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तय कर दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फेस मास्क के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। 2 और 3 स्तर के मास्क की कीमत क्रमशः 8 और 10 रुपये होगी, जबकि 200 मिलीलीटर के हैंड सैनिटाइजर की बोतल की कीमत 100 रुपये होगी, और यह कीमतें 30 जून 2020 तक ऐसी ही बनी रहेंगी। तो अगर कोई आपके गांव कस्बा शहर में सैनिटाइजर को 100 रुपये से अधिक मूल्य पर बेचे, तो आप उसकी शिकायत भी उसकी कर सकते हैं, ठीक है, और दोषी पाए जाने पर उस दुकानदार के खिलाफ 3 से 7 साल तक की सजा उसे हो सकती है, और इसके लिए आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मार्च 2020 में सी ऑफ जापान की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 21 मार्च 2020 को सी ऑफ जापान की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप ने बताया कि लॉन्च की शुरुआत नॉर्थ प्योंगयांग से प्रांत से हुई।
यह देश 10 अप्रैल 2020 को अपनी संसद को विकास के बारे में बताएगा। प्योंगयांग अपने हथियार के कार्यक्रमों पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत है। अगला क्वेश्चन, सार्क देशों में संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ फंड में $200,000 किस देश ने दिए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव ने। तो मालदीव ने कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ फंड में $200,000 देने का वादा किया है, जिसे सार्क देशों में संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद ने श्री मोदी की पहल और निधि के लिए $10 मिलियन की भारत की प्रतिज्ञा का स्वागत किया। यह निधि स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है और इसका उपयोग किसी भी भागीदार देश द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वह किस खेल से संबंधित थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। महान भारतीय फुटबॉलर पीके बनर्जी का लंबी बीमारी से जूझने के बाद मार्च 2020 में कोलकाता में निधन हो गया। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बनर्जी को अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय फुटबॉल में बनर्जी के योगदान को विश्व में फीफा द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त थी, जिसने उन्हें 2004 में 100वीं शताब्दी के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 मार्च। तो नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 21 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 1960 में दक्षिण अफ्रीका के सार्क विले में पुलिस ने रंगभेद के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलीबारी करके 69 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यह दिन अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की मध्यावधि समीक्षा पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 मार्च। तो हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन देशों को वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को वन दिवस के रूप में घोषित किया। इस क्वेश्चन के साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत ने जो अपनी राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी, वो राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी 1988 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है जीके में आपसे कि राष्ट्रीय वन नीति को कब जारी किया गया, तो वो किया गया था 1988 में। अगला क्वेश्चन, मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा, यानी कि ISS? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, SpaceX। SpaceX मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। अंतरिक्ष एजेंसी के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब वेहनानकेन और डॉग हरले के परिवहन के लिए कंपनी फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगी, क्योंकि इससे इसकी लागत में कटौती होगी। अब SpaceX की बात करें तो SpaceX का जो पूरा फुल फॉर्म है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, या शॉर्ट में SpaceX के रूप में व्यवसाय कर रहा है। यह एक निजी अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2002 में हुई थी और इसकी स्थापना एक उद्यमी एलन मस्क ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस शहर में एक पायलट शॉपिंग फेस्टिवल 2020-21 में आयोजित करने का प्रस्ताव है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। तो बेंगलुरु में एक पायलट शॉपिंग फेस्टिवल 2020-21 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बाद में अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें रत्न और आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प और योग और आयुर्वेदिक उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों में आदिवासी उत्पाद भी होंगे और जब हस्तशिल्प उत्पाद भी होंगे और जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व राज्यों और अन्य पहाड़ी राज्यों के उत्पाद भी शामिल होंगे। अंतिम क्वेश्चन, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डाउन सिंड्रोम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तिथि को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया। डाउन सिंड्रोम किसी व्यक्ति में तब होता है जब उसके पास एक गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ठीक है, यानी कि 44 की जगह 45 या 46 हो जाते हैं। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2020 की जो विषय वस्तु है वो वी डिसाइडेड। इसमें कन्फ्यूजन है मुझे कि डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आज की क्विज, तो करंट अफेयर्स में आज के लिए आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत का ऊर्जा उत्पादक देशों में
कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हैशटैग सीए के साथ देना है। वही जनरल स्टडी में आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की एकल सबसे बड़ी वस्तु क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हैशटैग जीएस के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों से एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज जनता कर्फ्यू है। सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग घर से बाहर तभी निकलें जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो, और जब घर से बाहर निकलें तो जो WHO और भारत सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं आवश्यक, उनका पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना भारत में एक महामारी बने उससे पहले हम लोगों को इस देश से ख़त्म करना है। कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता इसको ख़त्म नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं ख़त्म कर सकता है, सिर्फ भारत की जनता, हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लोगों को एकजुट होना होगा। थैंक यू।